अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 है, वेव का हमारे पास चैप्टर है। और वेव वाले चैप्टर के हमारे तकरीबन लास्ट वाले जो टॉपिक हैं वो हमने स्टार्ट लिए हुए हैं। लास्ट मेन जो टॉपिक की हेडिंग है वो हमारे पास है डॉपलर इफेक्ट। हमने डॉपलर इफेक्ट के बारे में कुछ जो है वो हमने कल के लेक्चर में देखा है कि हमारे पास डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। फिर हमने देखा है कि डॉपलर इफेक्ट की एग्जाम्पल एक देख ली। फिर हमने डॉपलर इफेक्ट की लिमिटेशन देखी थी और डॉपलर इफेक्ट की हमने कंडीशन देखी थी। अब थोड़ा सा पहले फिर हमारे पास आ जाता है कि डॉपलर इफेक्ट है क्या, और फिर से ऑनवर्ड हम लोग ने स्टडी करते हैं हमारे पास डॉपलर इफेक्ट पे कि हमारे पास डॉपलर इफेक्ट आगे से इसके मुख्तलिफ केसेस क्या है। तो पहले हमने डॉपलर इफेक्ट की बात की थी। हमारे पास डॉपलर इफेक्ट क्या था, हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी जो किसी साउंड वेव की अपेरेंटली फ्रिक्वेंसी में चेंज आते हैं, मीन एक्चुअली चेंज होता है लेकिन हमें वो चेंज आ रहा होता है, जिसमें हमने एग्जांपल की थी कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टेशन पे, एक हमारे पास ट्रेन स्टेशन पे बैठी हुई हैं और एक ट्रेन है जो अपना हॉर्न बजा के स्टेशन की तरफ आ रही है, तो आपको उसकी एक साउंड सुनाई देगी और जितने जितना वो आपके करीब आएगी आपको उसकी साउंड उतनी ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। अगर वही ट्रेन क्या हो कि आप स्टेशन पे ही बैठी हुई हैं और वही जो ट्रेन है वो आग से दूर जा रही हो, अवे जा रही हो, तो आप देखेंगे कि उसकी जो साउंड आपको सुनाई दे रही होगी वो आपके पास कम सुनाई दे रही होगी। तो ये जो आपके पास एक्चुअली तो वही है, ट्रेन भी वही है, आप भी वही हो, ट्रेन के अंदर जो आपके पास हॉर्न लगा हुआ है जो उसका है वो भी वही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, कभी वो ज़्यादा सुनाई दे रही है उसकी साउंड, कभी उसकी कम सुनाई दे रही है साउंड। तो ये जो उसके अपेरेंटली चेंज आ जाता है साउंड में, इस अपेरेंटली चेंज को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब एक और बात याद रखिएगा कि ये जो डॉपलर इफेक्ट है, अभी हम बात कर रहे हैं कि साउंड जो वेव है वो आपको कभी ज़्यादा सुनाई दे रही है कम, तो भाई ये जस्ट साउंड वेव के ऊपर अप्लाईबल है, तो ऐसा नहीं है। जो लाइट वेव होती है उसके ऊपर भी डॉपलर इफेक्ट जो है वो अप्लाईबल है। अब हमारे पास इसकी डॉपलर इफेक्ट की ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग आ रही है, इस चेंजिंग को हम कह रहे हैं फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास तीन कंडीशंस हो जा सकते हैं जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी में चेंज हमें फील हो सकते हैं। पहले हमारे पास कंडीशन है मूविंग ऑब्जर्वर स्टेशनरी रेस्ट सोर्स ऑफ साउंड। अब इसका मतलब यह है कि आपका जो ऑब्जर्वर है जो नोट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो आप है, आप एक ऑब्जर्वर है, आप मूव कर रहे हैं और जो सोर्स ऑफ साउंड है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेन है वो स्टेशन पर अब रेस्ट पे कि आगे ट्रेन पे रुकी हुई हॉर्न बजा रही है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, ट्रेन रेस्ट पे है लेकिन आप जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आप ट्रेन की तरफ आ रहे हो या ये हो सकता है कि आप ट्रेन से दूर जा रहे हो। तो पहला हमारा ये केस है कि ऑब्जर्वर मूविंग हो और जो हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है वो आपके पास रेस्ट पे हो। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास मूविंग सोर्स, कि आपका जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव कर रहे हो और जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे हो। अब ये क्या है कि आप जो है वो स्टेशन पे बैठी हुई हैं, आप रेस्ट पे हैं और जो ट्रेन है वो या आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, तो इस केस में भी आप देखेंगे कि आपके फ्रिक्वेंसी का चेंज नज़र आएगा। और थर्ड आपके पास केस है कि आपके पास दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहे हो और हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड भी मूव कर रहे हैं। अब इसमें भी ये हो सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तब भी हमारे पास चेंज आपको फील होगा, या दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हो तब भी आपको इन दोनों का चेंज फील होगा। अब पहला हमारे पास जो केस है जो हम लोगों ने स्टार्ट लेना है वो हमारे पास है मूविंग ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारा मूव कर रहे हैं लेकिन हमारे पास जो सोर्स ऑफ साउंड है वो रेस्ट पे। अब इसकी एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है कि फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ है कि एक ट्रेन है वो स्टेशन पे आ गई है, वो स्टेशन पे रुक गई है लेकिन वो अपना जो हॉर्न है वो मुसलसल बजा रही है, ठीक है, तो सोर्स रेस्ट पे हो गया लेकिन उसकी साउंड जो है वो आपके पास आ रही है, तो आप क्या होता है कि ऑब्जर्वर या उसकी तरफ आ सकते हैं या उससे दूर जा सकते हैं। तो उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, या ये हो सकता है ऑब्जर्वर मूव करे टूवर्ड द सोर्स उसकी तरफ जाए, या ऑब्जर्वर ये हो सकता है कि उससे अवे जाए। तो पहले हम लोग केस अपना डिस्कस कर करने लगे हैं जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो हमारे पास उसकी तरफ जाता है, हमारे पास स्टेशनरी सोर्स की तरफ जाता है। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अभी दोनों रेस्ट पे, ठीक है, पहले हम ये दोनों को रेस्ट पे लेते हैं फिर हमने क्या करेंगे एक को मूव करवा देंगे। पहले सिंपलेस्ट केस लेने लगे हैं, हम ये कहते हैं फर्स्ट डायग्राम, इस डायग्राम पर हमने फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम कहते हैं ये हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ ये ट्रेन है जो कि हमारे पास हॉर्न बजा रही है और इसकी ये जो है वो साउंड वेव जो है वो हमारे पास ट्रेवल कर रही हैं और ये एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पे और इसे सुनाई दे रहे हैं।
अब हमारे पास दो जो वेव हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एक वेव लेंथ जितना होता है, तो हम कहते हैं एक लेमडा जितना। दोनों अभी हमारे पास रेस्ट पे हैं, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे, सोर्स ऑफ साउंड भी रेस्ट पे है, उसके साउंड से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है उनकी वेव लेंथ कितनी है वी, और वो जो साउंड है वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी वी के साथ। तो सिंपलेस्ट केस हमारे पास क्या होगा, आपने इक्वेशन आपको याद होती है एफ इक्वल होते हैं आपके पास वी इक्वल आपके पास होते हैं एफ लेमडा। तो ये उस रिलेशन से हमने निकाला है कि अगर हम लोग F की बात करें तो F को हम लिख सकते हैं दो में, यहाँ पे हमारे पास F को निकालना है तो ये होता है V ओवर लेमडा, और अगर लेमडा को निकालना है तो वो हो सकता है V ओवर F। ये भी तब केस है या दोनों हमारे पास रेस्ट पे। अब फिर हम अगले में क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ साउंड है वो रेस्ट पे ही है और हमारा जो ऑब्जर्वर है ये इसकी तरफ मूव करके आ रहा है, टूवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो पोजीशन ओ पे, उस टाइम हमारे पास यहाँ से जो साउंड है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, इसने जो साउंड प्रोड्यूस किया है उसकी एक वेव जो है ऑब्जर्वर के पास पहुँची है जब वो ओ पे है, तो ये हमारे पास उसके दरमियान जो वेव पहुँची है पी सी क्यू के दरमियान, उसकी जो वेव लेंथ है वो आपके पास लेमडा है। मीन जब हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर ओ पोजीशन पे पहुंचा है उस टाइम एक साउंड वेव इसने सुनी है और उस साउंड वेव की जो वेव लेंथ है वो हमारे पास लेमडा है। अब क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर आगे आ रहे हैं, कितने हमारे पास वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, वी नॉट। अब ओ जो यूज़ हुआ है ये ऑब्जर्वर मूव कर रहे थे उसके लिए हमने यूज़ किया है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है ये हमारे पास मूव कर रहे हैं किसी भी वेलोसिटी वी नॉट की तरफ। अब ये आगे उसकी तरफ आ रहा है ना, तो हम कहते हैं ये ओ से कहाँ पे आता है, ओ प्राइम पे आता है, ठीक है। हमने इसने डिस्टेंस कवर किया क्योंकि इस पोजीशन कितना डिस्टेंस है, एस नॉट डिस्टेंस कवर किया। अब इतनी देर में हमें ये भी पता है कि हमारी जो साउंड वेव है वो भी मुसलसल आ रही हैं, जब ये यहाँ ओ प्राइम पे पहुँचा तो कोई एक और साउंड है जो उसे यहाँ पे सुनाई, एक और साउंड वेव है जो उसके कान में पड़ती है। अब ये जो साउंड वेव है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने पूरी वेव लेंथ तो नहीं की क्योंकि पूरी वेव लेंथ है वो पी और क्यू के दरमियान है। अब ये तो यहाँ पे आर के ऊपर आ गया, दरमियान में आ गया, हम कहते हैं इस वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास एस डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम लोग कम्प्लीट ये डिस्टेंस देखें, ये जो लेमडा है ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एस वाला डिस्टेंस के अंदर हो गया और एस नॉट डिस्टेंस के अंदर हो गया। दोबारा हम कह रहे हैं कि जब ऑब्जर्वर ओ से ओ प्राइम के ऊपर पहुंचा, डिस्टेंस एस नॉट कवर करके कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से मूव करके आया है, तो उस टाइम एक और साउंड वेव जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ क्यू से ओ प्राइम के ऊपर पहुंचती है और डिस्टेंस कितना कवर करती है, एस नॉट, और साउंड की वेलोसिटी आपके पास क्या है, वी है। तो टोटल अगर हम वेव लेंथ देखें, ये वेव लेंथ के दरमियान कितने दो डिस्टेंस आ जाते हैं, एक एस आ जाता है और एक हमारे पास एस नॉट आ जाते हैं। तो अब हमारे पास सिंपल जो बेसिक आपके पास रिलेशन होता है एस इक्वल टू वी टी, या वो जनरल आप लोग करते हो मैकेनिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर बेसिक रिलेशन है, एस इक्वल होता है वी टी, एस होता है डिस्टेंस, वी होता है वेलोसिटी, टी होता है आगे पास टाइम। तो हम कहते हैं कि एस नॉट जो है वो डिस्टेंस किसकी इक्वल है, वी नॉट इंटू टी नॉट, और जो एस डिस्टेंस कवर किया वो वेलोसिटी क्या थी, तब वी थी और डेल्टा टी नॉट। तो टोटल जो हमारे पास ये जो वेव लेंथ है ये किन दो की वजह से आया है, एस और हमारे पास एस नॉट की वजह, दोनों के सम के बन रहे, तो ये हमारे पास सम आ गया, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, टी नॉट दोनों के अंदर आ रहा है, कॉमन हमने ले लिया। अब ये लेमडा की जगह हमारे पास ये शुरू में जो इक्वेशन नंबर वन में से हमने ये निकाला है वी ओवर एफ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, वी ओवर एफ। तो यहाँ से टी नॉट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इस टी को हम कहते हैं दोनों तरफ इन्वर्स लेते हैं, तो ये वी था नॉमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर की टर्म नॉमिनेटर में चलेगी, तो वन ओवर टी नॉट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, हम ये कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी को हमारे पास एफ ए है। अब एफ ए जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास क्या आ गई, वी प्लस वी नॉट ओवर वी इंटू हमारे पास एफ है। अब देखो नीचे ऊपर वाली टर्म बड़ी है और नीचे छोटी है, अब नीचे अगर आंसर छोटा हो, नीचे टर्म छोटी हो, तो वो आंसर क्या देता है, बड़ा देता है, इट्स मीन ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये हमारे पास ज़्यादा आएगी और आगे पास जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही होगी वो ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास आप एक सोर्स है वो हमारे पास रेस्ट है और जब ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा होगा तो उसे ज़्यादा जो है हमारे पास साउंड जो है वो हमारे पास सुनाई देगी, जो हमारे पास जो हमारे पास सेंस है, हमारी सेंस जो है हमारे पास सेंस ऑफ थिंकिंग से हम ये कह सकते हैं कि आप एक ट्रेन है जो एक जगह रुकी हुई है और आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, और मैथमेटिकली डॉपलर ने इस चीज़ को प्रूव भी किया था। अब इसी का हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है
वो है कि मापा वही स्टेशनरी जो सोर्स है वो रेस्ट पे है, और जो आपके पास ऑब्जर्वर है वो अवे, अवे का मतलब है उससे दूर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वर था ओ पोजीशन के ऊपर, और एक साउंड हमारे पास एक साउंड वेव आई जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ थी। फिर हमारे पास ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है तो ये पी से क्यू में चले जाते हैं, मीन ओ पोजीशन से ओ प्राइम पोजीशन में जाते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करके एस नॉट, जब वो मूव करे वेलोसिटी वी नॉट, तो हमारा साउंड तो पीछे से आ रही है। अब एक और साउंड वेव है वो भी इतनी देर में यहाँ पे पहुँचती है, वो कितना आपके पास आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एस है, वो किसके मिलने से बनना है, वेवलेंथ के मिलने से बनना है, और एस नॉट के डिस्टेंस से मिलने से बनना है। तो अगर हमारे पास इसी पे आ जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ क्या है, जनरल हमारे पास क्या था, एस किसकी इक्वल आ गया था, वेवलेंथ प्लस एस नॉट, वेवलेंथ को एक तरफ लिखा, एस नॉट माइनस और प्लस हो रहा था तो इधर आके माइनस हो गया। अब सिंपल है, उसी तरह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी टी नॉट और वी नॉट टी नॉट, दोनों में से टी नॉट कॉमन हो जाएगा, लैम्डा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की वी ओवर एफ नॉट, तो यहाँ से हम आपका टी नॉट का एक्सप्रेशन फाइंड कर दिया। फिर हमने दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई किया, इन्वर्स अप्लाई करने के बाद जो वन ओवर टी नॉट था उसे एक और फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया। अब एक सेकेंड केस था तो हमने इसे बी केस के साथ से फ्रिक्वेंसी बी के साथ हमने डोनेट कर दिया। अब इसमें याद रखो ऊपर माइनस हो रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाली टर्म छोटी होगी और नीचे वाली टर्म क्या होगी, एक ही टर्म है तो वो बड़ी होगी। अब जब हमारे पास बड़ी होगी, अगर नीचे बड़ी टर्म हो तो वो आंसर क्या देगी, छोटा देगी। तो अब क्या होगा कि आके पास फ्रिक्वेंसी एफ नॉट कम आएगी, मेन आके जो साउंड सुनाई दे रही होगी वो कम दे रही होगी। तो ऑटोमेटिकली आप वैसे भी अपने सेंस से कह सकते हैं कि अगर आप उससे अवे जा रहे होंगे ट्रेन से तो आपको वो साउंड क्या होगी, वो कम सुनाई देगी। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है कि हमारे पास मूविंग सोर्स है, पहले ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, अब हमारे पास सोर्स ऑफ जो साउंड है वो आपके पास मूव कर रहे हैं और जो ऑब्जर्वर जो सुनने वाले हैं वो रेस्ट पे। अब इसमें भी हमारे पास दो केस हो सकते हैं, हम पहला केस डिस्कस करने लगे जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ साउंड है वो टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव करता है, मीन उसकी तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। तो पहले उसमें वही केस लेते हैं कि दोनों अभी रेस्ट में हैं, जब दोनों रेस्ट में हैं तो उस टाइम हमारे पास जो उसकी वेव लेंथ सुनाई दे रही है लैम्डा इक्वल टू वी ओवर एफ है। अब हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास रेस्ट पे मौजूद है, रेस्ट पे मौजूद है, और सोर्स ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है। अब हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड हमारे पास पी पे है, उसने एक हमारे पास वेव जनरेट की और उस वेव वो जो हमारे पास वेव है मतलब ऑब्जर्वर एक साउंड को सुन रहा है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास सोर्स है ये मूव करके चला जाता है एस प्राइम के ऊपर। अब जब इसने मूव किया है तो हम कह रहे हैं इसने कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब सोर्स मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के साथ छोटा सा एस लिख लिया और उसके टाइम के साथ भी एस लिख लिया। अब हम कहते हैं कि जब हमारा ये सोर्स मूव करके आता है एस से एस प्राइम के ऊपर तो यहाँ पे एक और उसने क्या करेगा, जैसे पहुँचेगा तो उससे साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, एक और हमारे पास साउंड वेव जनरेट होती है और वो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है और उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा प्राइम। पहले वाला जो था जब सोर्स एस पे था उस टाइम एक वेव जनरेट हुई थी और उसने डिस्टेंस कवर किया था वी टी एस, वी वेलोसिटी है साउंड की और टी उस टाइम के अंदर उसने कवर किए। फिर जब वो एस प्राइम के ऊपर पहुंचते हैं एक और वेव जनरेट करते हैं जिसके हमारे पास डिस्टेंस है लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वी टी एस किसकी इक्वल आ जाएगा, वी टी एस इसकी इक्वल और साथ में हमारे पास लैम्डा की इक्वल। जब एस पे था तो उसने वो जनरेट की थी, वो मूव करती है, वो डिस्टेंस कवर करती है, वो ऑब्जर्वर के पास कितने डिस्टेंस कवर करके जाती है, वी टी एस डिस्टेंस कवर करती है, और वो कितना खुद कितना मूव कर रहा है, वी एस टी एस मूव कर रहा है, इतना डिस्टेंस ने कवर किया है। जैसे एस प्राइम पे पहुंचे एक और साउंड वेव आती है और उस साउंड वेव की हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लैम्डा प्राइम है। तो अब वी एस जो है वो टोटल है और उन दोनों के सम से आया है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वी टी एस जो है वो इन दोनों के सम से आया है, वी एस टी एस और साथ में लैम्डा प्राइम, डिफरेंस शो करने के लिए लैम्डा प्राइम शो कर दिया। अब लैम्डा प्राइम इधर आएगा, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, टी एस दोनों के अंदर है तो कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास जनरल हमारे पास फ्रिक्वेंसी एफ सी जो है अपनी नई फ्रिक्वेंसी है उसे हम डोनेट कर रहे हैं एफ सी के साथ, जो वी ओवर लैम्डा प्राइम जो कि वेव लेंथ में जो चेंज आएगा इट्स मीन फ्रिक्वेंसी के अंदर भी उस इतना ही चेंज आएगा। लैम्डा प्राइम की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टी एस वी ओवर एस, तो यहाँ पे हमारे पास ये टी एस जो है डिनोमिनेटर में से जनरल हमने वन ओवर एफ के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं।
क्योंकि हमें पता है कि टाइम और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, नॉमिनेटर में टर्म एक है और डिनोमिनेटर में दो टर्म है और वो माइनस हो रही है। मीन हर दफ़ा जितना माइनस होगा उतनी चीज़ तो कम हो जाएगी, जितनी कम होगी इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, और जितना डिनोमिनेटर का फैक्टर कम हो जाएगा वो फ्रिक्वेंसी दूसरा इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से एफ सी को उतना ही क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब है कि आपको जो साउंड सुनाई देगी वो आपके पास ज़्यादा साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली बात है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पर और सोर्स उसकी तरफ आ रहा है, ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, तो उसे जो साउंड सुनाई देगी वो हमारे पास ज़्यादा सुनाई देगी। इसके बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है, क्लास किसी नहीं समझ आती, आपने उन्हें पूछ लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन की क्लास से। अल्लाह हाफिज़।